आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। अडानी विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बयान दिया। उन्होंने मंगलवार को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए ये छिपाने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही इससे डरने की जरूरत है। साथ ही आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद राहुल गांधी समेत विपक्ष ने बीजेपी पर अडानी को बचाने के आरोप लगाए, साथ ही इसे लेकर संसद से सड़क तक प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि अमित शाह ने इंटरव्यू के दौरान लोकसभा विधानसभा चुनाव, PFI पर बैन, देश की आंतरिक सुरक्षा, शहरों के नाम बदलने और G20 जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर भी बात। साथ ही लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी पूछे। राहुल ने 45 मिनट की स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछे गए लोगों के सवालों से की, फिर इन्हीं सवालों का हमला देखते हुए गौतम अडानी के मुद्दे पर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।